दिल्ली नगर निगम चुनाव में अब केवल 10 दिन बचे हैं। ऐसे में हर पार्टी पूजा अर्चना से लेकर जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में नारायणा वार्ड नंबर 104S से भाजपा ने श्री छैल बिहारी गोस्वामी जी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। गोस्वामी जी पेशे से एक वकील हैं। नारायणा गांव में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर गोस्वामी जी ने पूजा अर्चना कर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ने सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले छैल बिहारी जी से बातचीत की। उनका कहना है कि मोदी जी के विकास मॉडल को देश की जनता बहुत ही पसंद कर रही है और अपना पूरा पूरा समर्थन दे रही है। सबसे पहले मैं सभी को आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हुए मैं शुरुआत अपने चुनाव की औपचारिक रूप से आज कैंपेनिंग कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व में मुझे लगता है एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके ध्यान में पहले से एक सोच थी, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सामाजिक ढांचा और भाईचारा उनके मन में पहले से ही आज से काफ़ी टाइम पहले उन्होंने लिख दिया था। सबका साथ और ऐसा विचार जो आज हमारे आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे लेके चल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही दे दिया था सामाजिक समरसता का। सबको पता है बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ और उन्होंने जिस तरह की प्रारंभिक शिक्षा की, अनेकों अनेक उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की और बड़े हर्ष का विषय है कि हम भारतवासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता, ऐसी महान भूति हमारे भारतवर्ष में हुई और जिनके नेतृत्व में हमारे भारत का संविधान पूरा बना। और मैं एक विचार और बताना चाहता हूँ उनका, जैसे कि अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसका आज भी मेन गेट बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर है। ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है भारतवासियों के। और मित्रों, अमेरिका के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले 300 वर्ष में जितने भी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की, जितने भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पर डिग्री हासिल की, 300 वर्ष की बात करूँ, 1, 2, 10, 100 की बात नहीं कर रहा, 300 वर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट वहाँ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रहे। इससे बड़ा सौभाग्य हम भारतवासियों के लिए और क्या हो सकता है। आपको अपने वार्ड में ऐसी कौन सी समस्याएं लगती हैं कि जो जीतने के बाद प्राथमिकता के तौर पे आप उसे हल करवाने में? देखिए, समस्याएं एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कभी स्थायी हल आप परमानेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि समस्याएं रोड बन रही है तो टूटेगी भी, बरसात आएगी थोड़ी टूटेगी, नालियाँ हैं बनेंगी टूटेंगी, एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। वैसे समस्याएं आती हैं जाती हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी बेस पे ये है जिन इलाकों में पानी की समस्या ज़्यादा है, हालांकि नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता हूँ, लेकिन हम उस अपने स्तर पे एक आंदोलन छेड़ के, अफसरों से बात करके, एक दबाव बना के दिल्ली सरकार के ऊपर हम उन चीज़ों को आगे प्रायोरिटी बेस के ऊपर, सबसे पहले पानी की समस्या, जहाँ पे पानी की दिक्कत आ रही है नारायणा क्षेत्र के अंदर, उसको लाने का प्रयास करेंगे। समर्थकों से स्नेह और समर्थन प्राप्त करने की वजह से छैल बिहारी जी अपनी जीत की प्राप्ति पर काफी आश्वासित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RBM न्यूज़ इंडिया।